नमस्कार, समय हो गया है झूठ बोले कौवा काटे का। मैं सुनीला आप सभी का स्वागत करता हूँ देश के नंबर वन चैनल मस्ती टीवी से। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चूना लगा पार्टी से सोनू जी और मोनू जी। तो तालियां तालियां। तो चिंतू जी, आपसे हमारा सवाल, इस बार के चुनाव के लिए आपने क्या प्लान बनाया है? अरे हम हमारे देश के सबसे बड़े देश भक्त हैं और देख लेना, इस बार हमारे नेता पप्पू सिंह जी ही जीतेंगे। अरे कहाँ के देशभक्त, देशभक्त तो हमारे नेता कल्लू यादव जी हैं। देखिए कितना सटीक झूठ कह रहे हैं ये महाशय देशभक्त नहीं देशद्रोही है। हम नहीं आप देशद्रोही है। हम नहीं आप देशद्रोही आप देशद्रोही है। रुकिए, अब तो ये चुनाव ही में पता चलेगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। हमारा नेता कैसा हो पप्पू सिंह जी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो पप्पू सिंह जी जैसा। मालूम नहीं कि देश का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। मैं तू और देश भक्त ओ तो तुम दोनों इस बात पे लड़े रहो कि कौन देश का सच्चा भक्त है और कौन देश द्रोही। इसका तो एक ही समाधान है, तुम दोनों को अपने लिए एक गवाह लाना होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो साबित कर सके कि तुम दोनों एक सच्चे भक्त हो। एक क्या सॉली आएंगे ये है हमारे बुजुर्ग चाचा जी जिनके चप्पल दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते गिर गए। ये उम्मीद नहीं कि उनकी पेंशन उनके किसी दिन हाथ लगेगी। सरकार को गुहार लगाते लगाते मेरी पर मेरी पेंशन नहीं मिली। मैं अपने बच्चों पर कब तक बोझ बना रहूंगा? नेताजी नेताजी मेरी पेंशन दिखा दो। पेंशन तो मिल जाएगा पर आपको भी मेरा एक काम करना। क्या काम करना पड़ेगा? आपको मेरा गवाह बनना होगा। देश का सबसे बड़ा देशभक्त हम है। तुम जैसे चोर नहीं तो चोर चोर है हम। ये बेटा उनसे 100 मिल जाए कोई जरूरत नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं कि ज्ञान हो तो पूरी हो वरना अज्ञान ही सही, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। हाय आतिका। ओह हाय अंजू। ओके वेट सेम टाइम ही काका है। अरे भक्तों
इतनी शांति क्यों? कैसे खुद को दूसरों से